हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए डे टू डे लाइफ रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर जब हमारे कार या फिर बाइक का सेल्फ काम नहीं करता है, बैटरी डेड हो जाती है, या जब हमारे बाइक में किक का सुविधा नहीं दिया होता है, तो उस टाइम पे अक्सर लोग क्या करते हैं, गाड़ी को सेकंड या थर्ड गियर में डालते हैं, उसे धक्का लगाते हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आई एम श्योर आपने भी ऐसा करते हुए देखा होगा, शायद किया भी होगा। तो क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे गाड़ी को गियर में डालने के बाद धक्का लगाने से इंजन स्टार्ट हो जाता है? इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से गियर पे गाड़ी को धक्का लगाने से इंजन को प्रॉब्लम नहीं होता है, इंजन हेल्दी रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गाड़ी को धक्का दे के स्टार्ट करने का जो टेक्निक है, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में पुश स्टार्ट कहते हैं। और ये जो पुश स्टार्ट टेक्निक है, वो उसी गाड़ियों में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि जहाँ पे हम अपने हाथ या फिर पैर से गियर को चेंज कर पाते हैं। जहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, वहाँ पे ये टेक्निक एप्लीकेबल नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी को धक्का देके स्टार्ट करने की जरूरत कब पड़ता है, जब हमारी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि या तो गाड़ी का बैटरी डेड हो, या तो गाड़ी का बैटरी चार्ज नहीं हो या चार्ज नहीं उठा रहा, उस टाइम पे ये नौबत आता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी क्या काम करता है। बैटरी करंट भेजता है स्टार्टर मोटर को, स्टार्टर मोटर घूमता है, स्टार्टर मोटर से फ्लाईव्हील कनेक्टेड होता है तो फ्लाईव्हील घूमता है, फ्लाईव्हील से क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड होता है तो क्रैंकशाफ्ट घूमता है, और फिर पिस्टन का मूवमेंट होता है, गाड़ी को इंजन को पावर मिल जाता है। यानी एट द एंड हम लोग का जो मेन टारगेट होता है, वो होता है कि क्रैंकशाफ्ट को घुमाना, उसका रेवोल्यूशन होना चाहिए। अब जब बैटरी डेड हो, सेल्फ काम नहीं कर रहा हो, तो बैटरी से करंट नहीं मिलने की वजह से वो क्रैंकशाफ्ट नहीं घूमता है। इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अपने गाड़ी को क्या करते हैं, गियर पे ले जाते हैं। जनरली हम लोग सेकंड या थर्ड गियर पे ले जाते हैं, ओके। उसके बाद क्लच को प्रेस करते हैं, गाड़ी को धक्का देते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बता दूँ कि जब हम लोग सेकंड या थर्ड गियर पे गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं पुश स्टार्ट के थ्रू, तो हम लोग का जो गाड़ी का स्पीड है वो होना चाहिए 8 से लेकर 15 km/h तक, वो स्पीड पर होना चाहिए। जब हम लोग वहाँ पर उसे धक्का लगाते हैं और अचानक से हम लोग अपना क्या करते हैं, क्लच को छोड़ते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो क्लच है उसका इंगेजमेंट होता है जाके फ्लाईव्हील के साथ, ओके। फ्लाईव्हील क्या होता है कि फ्लाईव्हील का रोटेशन होना चालू हो जाता है। क्यों चालू होता है आप ये पूछोगे, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग पुश स्टार्ट के थ्रू गाड़ी को स्टार्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो टायर है उसका रोटेशन होते रहता है, वो टायर घूमते रहता है। इसी वजह से जब इंगेजमेंट होता है क्लच और फ्लाईव्हील का, तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्लाईव्हील भी घूमने लगता है। फ्लाईव्हील जब घूमने लगता है तो उसके साथ कनेक्टेड होता है क्रैंकशाफ्ट, उससे क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट भी घूमने लगता है। क्रैंकशाफ्ट क्या है, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू पिस्टन से कनेक्टेड होता है, तो पिस्टन का अप एंड डाउन मूवमेंट होने लगता है, और उससे क्या होता है कि चार्जेस अंदर आती है, चार्जेस कंप्रेस होती है, चार्जेस का कंबशन होता है, इंजन को पावर मिल जाता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल है कि सिर्फ फ्लाईव्हील को घुमाना, फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है और उससे हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है इस पुश स्टार्ट टेक्निक के थ्रू। अब यहाँ पे सवाल, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी ये है कि लोग कहते हैं कि पहले गियर पे कर सकते हैं हम लोग, चौथे पांचवें गियर में कर सकते हैं, तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पहले गियर पे गाड़ी को पुश स्टार्ट के थ्रू स्टार्ट करना चाहोगे, तो उस टाइम पर प्रॉब्लम ये आएगा कि सबसे पहली बात तो गियर रेशियो कम होता है पहले गियर में, ओके। दूसरी बात यहाँ पे ये आता है कि जब पहले गियर में जो क्रैंकशाफ्ट का एक बार रेवोल्यूशन होता है, उस टाइम पे जो टायर्स को रोटेशन मिलता है वो कम मिलता है। अगर मैं इसे आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, तो जब आप एक गियर में गाड़ी को चलाते हो, जितनी मर्जी आप एक्सेलेटर ले लो, गाड़ी भागती है, कभी नहीं भागती, गाड़ी स्लो ही रहती है, उसका स्पीड कम रहता है, क्योंकि इंजन से जो पावर आउटपुट जो मिल रहा है, हमारे टायर्स को जो रोटेशनल एनर्जी मिल रहा है वो कम मिलता है। वहीं सेकंड और थर्ड गियर में ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा तेज़ चला पाते हैं, वहीं फोर्थ और फिफ्थ गियर में हम और तेज़ चला पाते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया तो फिर सेकंड और थर्ड भी क्यों स्टार्ट कर रहे हो आप, फोर्थ और फिफ्थ में करो। तो जब हम लोग फोर्थ या फिफ्थ गियर में पुश स्टार्ट से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा कि जो गियर रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात, उस टाइम पे हम लोगों को जो धक्का लगाना है, उस टाइम पे जो हमारा गाड़ी का स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 40 से लेकर 50 km/h तक। अब एक नॉर्मल आदमी इतना तेज़ी से धक्का तो नहीं लगा सकता है कि गाड़ी 40 से 50 km/h तक चली जाए, इसलिए हम लोग
गाड़ी को सेकंड और थर्ड गियर पे रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जब गाड़ी 8 से लेकर 15 km/h की स्पीड पे होती है, हम क्लच को छोड़ते हैं, क्लच का एंगेजमेंट होता है, तो आसानी से गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। और उस टाइम पे जो क्लच और जो हमारा फ्लाईव्हील है उसका जो इंगेजमेंट हो रहा है, तो क्या होता है कि फ्लाईव्हील तो स्टेशनरी पोजिशन पर होता है, उसका रोटेशन तो होते नहीं रहता है, तो जो इंगेजमेंट होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं फोर्थ और फिफ्थ गियर से कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो क्लच है वो वेयर आउट जो होता है वो ज़्यादा वेयर आउट नहीं होता, यानी कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्लच पे, क्लच के ख़राब होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। तो ये वजह है कि हम लोग सेकंड और थर्ड गियर में ही ज़्यादा प्रिफर करते हैं गाड़ी को धक्का दे के स्टार्ट करना। और मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि कैसे गाड़ी को धक्का देने से वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ रिलेटेड ये टॉपिक था। आई एम श्योर ये टॉपिक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपने जब ये ट्राई किया होगा खुद से या किसी को करते हुए देखा होगा, तो ज़रूर एक बार आपने सोचा होगा कि गाड़ी कैसे स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका डाउट आई एम श्योर आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आई एम श्योर कि वीडियो तो अच्छा ही लगा होगा, तो एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।